हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल रश्मि भारद्वाज पर। और आज तबले की संगत पर हमारे साथ हैं, बड़े ही गुणीजन हैं और नाम है इनका शेर सिंह भैया जी, और बहुत ही अच्छा तबला प्ले करते हैं, सिखाएंगे भी आपको अभी। और जो इनके गुरु हैं, जाहिर सी बात है जब ये इतने गुणी हैं तो वो कितने गुणी होंगे। इन्होंने सीखा है प्रदीप चक्रवर्ती जी से और बहुत अभी भी सीख रहे हैं। सभी कलाकारों का ये होना चाहिए, आप सबका भी, हम सबका भी जीवन सीखते सीखते निकले। बस हर वक्त हर दिन आप कुछ नया संगीत में सीखें। और आज अगर तालों की श्रृंखला में हम चलते हैं तो तीन ताल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमने आपको पहले के लेसन्स में ताल कहरवा सिखाया है, दादरा ताल भी सिखाया है, आज हम तीन ताल लेकर चल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ताल है। छोटे ख्याल जितने भी आप गाते हैं, ज़्यादातर आप तीन ताल में गाते हैं, ठीक है। अब तीन ताल के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर एक गुण दुगुण और चौगुण तबले पे आपको सुनाएंगे। तीन ताल 16 मात्रा की ताल है, ये चार चार मात्रा के चार विभाग में होती है। और इसके सम यानी पहली मात्रा पर ताली है, पांचवी पर ताली है और तेरहवीं मात्रा पर ताली है। नौवी मात्रा इसकी खाली रहेगी, ठीक है। और छोटे ख्याल तो आप गाते ही, इसमें बहुत सारे भजन भी इसमें गाते हैं, तराना भी आप इसमें गाते हैं, है ना। इसकी बोल है, शुरू करते हैं पहली मात्रा से। काउंटिंग पहले बता रही हूँ मैं आपको, एक से 16 तक कैसे काउंट करेंगे, ताली और खाली दोनों लगाकर, ठीक है। पहले हम आपको इसकी मात्राओं को काउंट करके बता रहे हैं कि 16 मात्रा कैसे आप लेंगे और कहाँ पे ताली कहाँ पे खाली लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर तबले के साथ संगत करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं मात्रा 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 खाली, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फिर आपका सम 1 आ जाता है, ठीक है। अब ये हम आपको तबले पे काउंट करके सिखाएंगे, साथ में देखिएगा। एक गुन करेंगे, दो गुन करेंगे और फिर चौगुन करेंगे। रेडी सर? 1, 2, 3 घा धिन धिन घा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ये आपका पहले एक गुण हमने बताया आपको, ठीक है सर। इसमें आपने बिल्कुल काउंटिंग वाइज देखा, एक मात्रा चल रही है, एक ताल चल रही है, आपको ऐसे ऐसे जाना है। इसको डबल करेंगे तो एक मात्रा में आपको दो स्वर, दो शब्दों को लेना है। धा धिन यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इसी तरह जब चौगुन करेंगे तो एक मात्रा में आपको चार, एक उसमें चार मात्रा लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एक, ठीक है। अब इसको हम एक गुण दो गुण और चौगुन तबले के साथ करके दिखा रहे हैं, जैसे हमने आपको समझाया है इस तरह से ही आप कोशिश करेंगे। और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, आपको बिल्कुल आपकी उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। शुरू करते हैं एक गुण दो गुण और चौगुन। रेडी सर? 1, 2, 3 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन दोगुन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन चौगुन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ये आपका एक गुण चौगुन,
एक गुण दुगुन और चौगुन होता है कंप्लीट। ठीक है, ये तीन ताल है आपकी। तीन ताल पे जैसे आप राग मैंने आपको सिखाया था नौवीं मात्रा से शुरू किया था, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, तीन ताली आपके सामने चल रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से जैसे कहरवा में अपने गानों की प्रैक्टिस देखी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सीखते जाइए और हम कोशिश करते रहेंगे जितना हमें ज्ञान है आपसे बांटते चलें। और फिर भी आपको लगे कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा अपना कमेंट, और हमारा साथ अपना साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। हम दोनों की तरफ से आपको आज का नमस्कार।